आज बात करते हैं और जिस बारे में मैं बात कर रही हूं उस पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जो अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हेल्थ मिनिस्टर थे उनको पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद किया गया है, तो कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद इन दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज लगातार बीजेपी इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल को जो आबकारी नीति में जो फ्रॉड हुआ है उसके चलते उनको रिजाइन करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना अटैक बढ़ा दिया है। कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उन्होंने एलजी से, विनय सक्सेना से शिकायत की है कि जो स्नूपिंग का मामला था, जासूसी का जो मामला था, उसके चलते केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस बनाना चाहिए। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल एक साथ अब इसमें आ गए हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की एक कोशिश है? क्या संभावनाएं बन सकती है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? ये सारे बड़े सवाल है। इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अकील खान है। अकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और ये कार्यक्रम हमारा तीन प्लेटफॉर्म्स, उन्नति टीवी, प्रकाश टीवी और क्यू वाइव नेटवर्क, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर इस समय लाइव जा रहा है। और मेरा जो पहला सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए नीलू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी अपीयरिंग एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और मैं इम्पार्शियल होने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमारे परिप्रेक्ष्य, देश के परिप्रेक्ष्य में जो प्रॉब्लम है, जो आज की परिस्थितियां हैं, जो 8 साल से डेवलप हुई हैं, उसके बारे में उसको पूरा टोटल उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के मैं बात करूंगा। आज जो है देखिए, जो जिस केस में मनीष जी को अरेस्ट किया गया है, वो केस जो है कुछ बनता ही नहीं है, क्योंकि एलजी इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ही हैज, उन्होंने जो है ना वो उसको अप्रूव किया उस पॉलिसी को, और 3-4 बार जो है वो लेकर के उन्होंने 3-4 बार उन्होंने उसको रिटर्न किया, फिर उसको करेक्ट किया, फिर अपने सजेशन दिया, उसके बाद अप्रूव किया। तो एनीबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हु शुड हैव बीन अरेस्टेड इज एलजी, एलजी ऑफ दिल्ली, वही है जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और रिकॉर्ड है मनीष जी का, मनीष जी का जो आप देख लीजिए इतने सालों का रिकॉर्ड है, वो उनके पास एक पैसे का, 2 नंबर का पैसा एक नहीं मिला। इतनी रेड मारी, उनके घर के गद्दे फाड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, आपके क्या नाम है, अलमारियों को तोड़ तोड़ करके देखा गया कि कहीं कुछ मिल जाए। उनके पास 10-5 हजार रुपए भी नहीं मिले, क्योंकि ही इज सच ए क्लियर कट पर्सन जिसने पूरा अपना लाइफ डेडिकेट किया है देश के बच्चों को एजुकेट करने के लिए और एक नई तरह की शिक्षा नीति ला करके, जो पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में उसको सराहा गया है। और 18 लाख से 20 लाख बच्चे दिल्ली के उस एजुकेशन सिस्टम से लाभान्वित हुए हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिली है, नए तरह का सिस्टम मिला है। और उनके जो पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप दिल्ली के लोगों से बात कर लीजिए कि उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके अपना पूरा जीवन उसके अंदर बिता करके, उसके अंदर डालकर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, इस नीति को। और एक भी अगर केस उनके खिलाफ कुछ आप गया है, अगर बाय द वे कुछ कुछ भी गलत हुआ है, तो इतनी ईडी, सीबीआई और आईटी सब लगाने के बाद मोदी जी को कुछ मिला नहीं? मोदी जी, ये मुझे बताइए कि आप जो है देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री हैं सही में हैं या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं? आप बताइए, एक इतना शिक्षा मंत्री जिसने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। मैं आपको बताऊं, मैं अरविंद जी के साथ उस वक्त से हूं 2010 से, और 2011 में हम लोगों ने साथ साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मैं 5 दिन तक भूख हड़ताल पर रहा उनके साथ में, और जितना भी उनको मैंने देखा नजदीक से, इतना एक बहुत ही अच्छी, एक ह्यूमन पर्सन, एक ह्यूमन
इज अ वेरी गुड ह्यूमन पर्सन. उसने देश के लिए और ये एक उसने एक देश के लिए एक मॉडल मॉडल बताया है, मॉडल लोगों के सामने रखा है शिक्षा. अखिल साहब मेरी बात सुनिए कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी अब तैयारी बीजेपी कर रही है? देखिए ये कुछ भी कर सकते हैं. ये जो क्रिमिनल पार्टी है ये भ्रष्टीय जनता पार्टी है और ये अब इस टाइम भयभीत जनता पार्टी हो चुकी है. ये भयभीत हो गए क्योंकि 2024 का इलेक्शन मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. मोदी डेज आर नंबर्ड क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर जिस तरह से फैला है हमारे देश का जो मतलब एक क्रिटिसाइज की जा रही है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेकर के और जो सबसे बड़ा जो केस हुआ है अडानी का जिसमें मोदी जी डायरेक्ट इन्वॉल्व है और वो भी छोटा मोटा केस नहीं है हमारे देश के LIC और SBI के अंदर जिसमें हजारों करोड़ रुपए देश के लोगों के बर्बाद हुए हैं. आप ये बताइए ये इसको एड्रेस नहीं करने की जरूरत है क्या? मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर एक शब्द नहीं बोलते. पूरी दुनिया बोल रही है कि मतलब मोदी जी जो है नॉट डेमोक्रेट, वो डेमोक्रेट नहीं है, ऑटोक्रेट है वो. क्योंकि उन्होंने जो अभी 8 सालों में जो परफॉर्मेंस दिखाई है जो भी हमारे देश के अंदर जो पोजीशन स्थिति हुई है आपको भी पता है कि भुखमरी में हमारा देश किस पोजीशन पर है, 108 नंबर पर और 142 नंबर पर कैपिटा हमारा जो है इनकम है जो मतलब लोएस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां के लोगों के बीच में हमारी पोजीशन हो चुकी है 142 नंबर पर. और सबसे बड़ी चीज जो है प्रेस का जो इंडेक्स है फ्री प्रेस का इंडेक्स जो है